गाइस गाइस गाइस। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अरे बिडू मैं हूँ मैं। अरे तू जा रही? नहीं नहीं बिडू मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि ये वाली वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे है? अरे बिडू मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि आप में से कई सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि हमारे इस अपडेट के अंदर में मल्टीप्लेयर मोड देखने को मिलेगा या फिर नहीं। ओके। और कई सारे लोग तो ये भी कमेंट कर रहे थे कि हमारी गेम के अंदर जो न्यू ट्रेन आने वाली है उसको हम ड्राइव कर सकते हैं या नहीं, उसके अंदर हम एंटर हो सकते हैं या नहीं। और कई सारे लोग तो ये भी कमेंट कर रहे थे कि आप तो फेक बोल रहे हो, हमारी गेम के अंदर ट्रेन ऐड हो ही नहीं सकती। क्या बात कर रहे हैं? अरे सही बात कर रहा हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। और आज की इस वीडियो में आपको हमारी अपडेट की कंफर्म डेट भी बताने वाला हूँ। तो प्लीज आप में से जिन जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही अपडेट से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है? अरे वीडियो एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, सच में लाता रहता हूँ। अरे हाँ बाबा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सब हम बात करते हैं हमारी गेम के अंदर आने वाले नए मल्टीप्लेयर मोड के बारे में, साथ ही साथ हमारी गेम के अंदर आने वाली नई ट्रेन की सारी अपडेट के बारे में। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको हमारी गेम के अंदर आने वाली नई ट्रेन के अपडेट के बारे में बता देता हूँ, साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को ट्रेन के रिलेटेड सारे के सारे डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। तो गाइस आप में से जो जो लोग ये कमेंट कर रहे थे कि हमारी गेम के अंदर जो न्यू ट्रेन आने वाली है उसको हम ड्राइव कर सकते हैं, उसके अंदर हम एंटर कर सकते हैं या फिर नहीं, तो गाइस मैं आपको बता दूं, जब हमने रोहित गेमिंग स्टूडियो वाले सर से बात की कि हम ट्रेन के अंदर एंटर हो सकते हैं या फिर नहीं, तो उन्होंने हमें जो रिप्लाई दिया वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और उन्होंने हमें साफ साफ ये कहा कि इस अपडेट के अंदर तो हम ट्रेन के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, लेकिन गाइस मैं आपको बता रहा कि हम सभी लोग ट्रेन को ड्राइव कर सकते हैं। जी गाइस ये 110% कंफर्म हो गया है कि हम ट्रेन को ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा कि उसके कंट्रोल कैसे होंगे वो अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं चला है, क्योंकि हम ट्रेन के अंदर एंटर तो नहीं कर सकते है, तो शायद से हम अपने स्मार्टफोन से ही ट्रेन को कंट्रोल कर पाएंगे। जी गाइस शायद से हम अपने स्मार्टफोन से ट्रेन को स्टार्ट कर पाएंगे, और गाइस अगर ऐसे कंट्रोल्स वगैरह आ जाएंगे तो हमें गेम में लिटरली काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और गाइस अब मैं आप सभी लोगों का एक और डाउट क्लियर कर देता हूँ कि हमारी गेम के अंदर जो न्यू ट्रेन आने वाली वो हमें सिटी के अंदर देखने को मिलेगी या फिर सिटी के बाहर देखने को मिलेगी। तो गाइस शायद से मैं आपको बता कि जो हमारी गेम के अंदर ट्रेन का ट्रैक रहने वाला है वो जो हमारी गेम के अंदर सिटी देखने को मिलती है उसकी चारों तरफ देखने को मिल जाएगा। और गाइस मैं आपको बता कि हमारी सिटी के चारों ओर ट्रेन के ट्रैक को लगा दिया जाएगा तो हमें गेम खेलने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और गाइस मैं आपको बता कि जो हमारी गेम के अंदर न्यू ट्रेन ऐड हुई है वो बिल्कुल GTA 5 के अंदर जो ट्रेन है वही ट्रेन हमारी इस अपडेट के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी। और गाइस अब मैं आपको हमारी ट्रेन से रिलेटेड एक बहुत बड़ी गुड न्यूज बता देता हूँ। जी गाइस जब हमने रोहित गेमिंग स्टूडियो सर से बात की कि हमें होली से पहले पहले क्या अपडेट देखने को मिल सकता है, और गाइस इसका रिप्लाई देते हुए रोहित गेमिंग स्टूडियो सर ने ये कहा कि हाँ हमें होली तक अपडेट देखने को मिल जाएगा। और गाइस अब तो ये 110% कंफर्म हो गया है कि हमें 8 मार्च तक अपडेट देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको बता कि जो हमारी गेम के अंदर सारी की सारी चीजें ऐड होने वाली है वो अगर होली से पहले पहले ऐड हो जाती है तो उससे पहले भी अपडेट देखने को मिल जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि हमारी मार्च मंथ की फर्स्ट वीक के अंदर हमें कभी भी अपडेट देखने को मिल जाएगा, और अब तो ये 110% कंफर्म भी हो गया है। और गाइस अब हम बात करते हैं हमारी गेम के अंदर आने वाले नए मल्टीप्लेयर मोड की अपडेट के बारे में। और आप में से कई सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि हमारी इस अपडेट के अंदर में मल्टीप्लेयर मोड देखने को मिलेगा या फिर नहीं, तो गाइस मैं आप सभी लोगों का ये डाउट क्लियर कर दूं कि हमारी इस अपडेट के अंदर तो हमें मल्टीप्लेयर मोड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमारी गेम के अंदर मल्टीप्लेयर मोड को आने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, शायद से हमें 2-3 अपडेट के बाद ही हमारी गेम के अंदर में मल्टीप्लेयर मोड देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी तो हमारी गेम के अंदर न्यू ट्रेन आ रही है, साथ ही साथ हमारी गेम के अंदर हमें कुछ नई बाइक्स और नई कार्स वगैरह देखने को मिल जाएगी। और गाइस मैं आपको बता दूं कि साथ ही साथ जो हमारी गेम के अंदर न्यू करेक्टर आने वाला था वो भी कैंसिल हो गया है। जी गाइस अब तो हमारी इस अपडेट के अंदर हमें न्यू करेक्टर भी देखने को नहीं मिलेगा, और अब हमें ये सब कुछ नेक्स्ट अपडेट के अंदर शायद से देखने को मिल सकता है। और गाइस अब आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि मैंने जो अभी सारी की सारी अपडेट बताई है वो सारी की सारी अपडेट कैसी लगी है। और गाइस आप में से जो जो लोग अभी तक हमारी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो प्लीज जल्दी से आपको जो स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है वो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सभी लोगों की कमेंट को चलाने वाला हूँ। जी गाइस जो अभी तक हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनकी कमेंट को नेक्स्ट वीडियो के अंदर चलाने वाला हूँ, तो जल्दी से इसके बारे में मस्त सी कमेंट कर दो। और तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बस यही अपडेट के बारे में बताने वाला था, और आई होप कि आपको ये सारी की सारी अपडेट काफी ज्यादा मस्त लगी होगी। बाकी तो गाइस आप में से जिन जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी तो मैं मिलता हूँ ऐसी ही कमाल की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।